भारत देश है वो जाना जाता है यहाँ के त्योहारों के लिए, यहाँ की जो शादियाँ होती हैं उसके लिए। और हम बहुत लकी थे कि इन 21 दिनों की जर्नी में हमने अलग अलग स्टेट से गुजरते हुए बहुत सारे फेस्टिवल्स इंजॉय किए और अब फाइनली जो है हम पहुंच रहे हैं धीरे धीरे कल्मिनेशन की तरफ, यानी अपने सफ़र के एंड की तरफ। और अभी हम हैं इस वक्त अहमदाबाद में, हम बढ़ रहे हैं कांडला की तरफ, जाएंगे पोर्ट्स। हमारी लेक्सस जो हैं, जो हाइब्रिड व्हीकल्स हैं, वो रेडी हो चुकी हैं और बस थोड़ी सी देर में हमारी इस जर्नी की जो लास्ट लेग है इस जर्नी की, उसकी शुरुआत होने वाली है। तो अभी हम हैं इस खूबसूरत से हाईवे के ऊपर और अहमदाबाद से निकल के जा रहे हैं गांधी धाम की तरफ। गांधी धाम की जो इम्पोर्टेंस है वो मैं वहाँ पहुँच करके बताऊँगा। बहरहाल मैं आपको बता दूँ कि अहमदाबाद जो है वो खाने के नज़रिए से उसका जो कल्चर है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा रिच माना जाता है। और एक और चीज़ है जिसके लिए अहमदाबाद बहुत ज़्यादा जाना जाता है, मैं चाहता हूँ कि वो आप मुझे कमेंट्स में बताओ। बाकी अभी इस सफ़र को एंजॉय करिए। ओके जी, सो अभी हम रुके हैं थोड़ी पेट पूजा के लिए, क्योंकि क्या है कि लंबा सफ़र होता है, आप थक जाते हो, भूख तो लगती है। और इंडिया की जो पूरी कोस्ट लाइन है, इसकी एक चीज़ बहुत अमेजिंग है, यहाँ का पूरा जो है खाना, जो कुजीन है। और चूंकि हम अहमदाबाद में हैं तो यहाँ का लोकल खाना अगर टेस्ट नहीं किया तो बात अधूरी रह जाएगी। तो हम आए हैं, ये लिखा है इस्कॉन फूड मॉल, तो इस्कॉन फूड मॉल में हम जा रहे हैं। और यहाँ की जो लोकल चीज़ें हैं, जैसे खाखरा, फाफड़ा, ठीक है, पापड़ अलग स्टाइल के, वो सब ट्राई करते हैं। आइए दिखाता हूँ, आपके मुंह में पानी आने वाला है भाई। ये है फाफड़ा और इसको देख के ही मुंह में पानी आ रहा है। ये मिर्च इतनी लाजवाब लग रही है ना, और ये लोकल डेलीकेसीज हैं यार। अगर इस पूरी कोस्ट लाइन पर आप ट्रैवल करते हो तो ऐसी बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें आपको खाने को मिलती हैं। सो बहरहाल लेट मी टेस्ट दिस। भाई वाह, मज़ा आ गया। भाई गुजरात का सॉल्ट, इसके बारे में तो आपने बहुत कुछ सुना होगा, कई बार सुना होगा। गुजरात का जो सॉल्ट है वो वर्ल्ड फेमस है, बिकॉज इंडिया में सबसे ज़्यादा सॉल्ट जो है वो यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है। और इस तरफ आप देख रहे हैं ये सॉल्ट बेड्स हैं, और एक बार ये नज़ारा देखो, खूबसूरत विंड मिल्स, सॉल्ट बेड। इंडिया के सबसे बड़े प्राइवेट पोर्ट अडानी पोर्ट पर, और ये जो वेसल आप देख रहे हो ना, इस तरीके के लगभग 40 वेसल्स, 40 हर रोज यहाँ से निकलते हैं एंड अलग अलग दुनिया के कोनों में पहुँचते हैं। कुछ फैक्ट्स मैं बताता हूँ आपको, लगभग 6 मिलियन कंटेनर हर महीने जो है ये पोर्ट हैंडल करता है। 1800 ट्रेन हर महीने इस पोर्ट से निकलती हैं और यहाँ से पूरे इंडिया में जो हर तीसरा कंटेनर होता है वो एक्चुअली यहीं से जाता है। एंड लुक एट दिस, द साइज ऑफ दिस।
राइट नाउ वी आर एट द मांडवी बीच, और मांडवी बीच जो है अपने क्लियर वाटर के लिए जाना जाता है, बहुत ही नीट एंड क्लीन बीच है। ये है मांडवी पोर्ट के पास, आप जो मेरे पीछे देख रहे हो ये मांडवी पोर्ट है, पुराने पोर्ट्स में से एक है, अब फंक्शनल नहीं है बिकॉज ये सारा का सारा अडानी पोर्ट पर शिफ्ट हो गया है। बट ये जो बीच है ये जाना जाता है और यहाँ के वाटर स्पोर्ट्स के लिए, और फेस्टिवल होता है यहाँ पर जो 29th जो दिसंबर से शुरू होता है और फरवरी तक चलता है, जो दिसंबर से शुरू होता है फरवरी तक चलता है, गुजरात टूरिज्म की तरफ से होता है। आओ एक नज़ारा दिखाता हूँ यहाँ का कि किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें जो हैं देखने को मिलती हैं। इस तरफ जो देख रहे हो आप वाटर स्पोर्ट्स हैं वो हो रहे हैं, यहाँ पर ये सारे लग्जूरियस टेंट हैं, 5,000 से लेकर के 60,000 तक जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारी और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी होती हैं, योगा, यू नो, तमाम सारी चीज़ें, एक फ़न जगह है जहाँ पर आप आ सकते हैं अपने यू नो लव्ड वंस के साथ। और ये है भाई हमारा इंडियन कोस्ट लाइन, ये है जो मैं सच मायने में कहूँ हमारा हेरिटेज जो है। लुक एट दिस, इंडिया की पूरी कोस्ट लाइन पे जब आप ट्रैवल करते हो तो बहुत सारे जिम्स मिलते हैं और यहाँ की बहुत सारी बहुत जो चीज़ें हैं ना वो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। ऐसी एक चीज़ है टेक्सटाइल, इस तरीके की चीज़ें जो देखने में काफ़ी कलरफुल लगती हैं, और हम इंडियंस को कलर सब हमेशा से ही पसंद है, चाहे वो शादियाँ हों, कुछ किसी भी प्रकार की सेलिब्रेशन हो। तो मेरे साथ हैं इस टाइम श्रद्धा, जो मांडवी बीच है वहाँ पर इनका अपना एक पूरा स्टॉल है, आई कैन सी लॉट ऑफ कलर्स। Shraddha, tell us about your brand. Hello, nice to meet you. I'm myself Shraddha Khatri. Currently, I'm running my brand SUK, and in it, I have products which are made from ajrak, and ajrak is based of Kutch. Kutch ki art hai ajrak. Jo ajrak means in Kutchi, aaj ko chhodo, kal hoga. वो पूरा 16 डे प्रोसेस से पूरा फैब्रिकेशन बनता है और उससे मैंने प्रोडक्ट्स बताई है। इधर देखोगे तो आप फीमेल का सब है, और मैन सेक्शन में भी अजरक के शर्ट्स है, जो कलेक्शन का नाम है मैन इन अजरक। जनरली मैंस लोग प्रिंटेड शर्ट नहीं पहनते, पर वो थिंकिंग को बार करके मैंने अजरक के शर्ट्स बनाए, और अब लोगों को बहुत पसंद भी आ रहे हैं, मैंस भी एक प्रिंटेड फैब्रिक पहनने की तरफ जा रहे हैं। ओके नाइस, सो आई विल शो यू सम स्टफ, मेरे साथ इधर आओ, मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूं यहां पर। श्रद्धा, यू कैन टेल अस द रेंज ऑफ इट, बिकॉज़ आई कैन सी लॉट ऑफ गुड स्टफ। दिस इज फॉर 1400, यार ये बहुत अच्छा है। सो यू डिजाइन योर ओन स्टफ These are hand worked, kachhi worked blouse on mushroom silk fabric. Mushroom silk. What's mushroom silk? This silk is also based from Kutch. Haan. The upper part of fabric is of silk and bottom is of cotton. You can show it to us. This is mushroom silk shirt. Hmm. Upper part is silk and base is cotton. You can wear on winters and summers. This is really nice top. रेड कलर, ये सब श्रद्धा ने डिजाइन किया है, ये सब श्रद्धा का ब्रेन चाइल्ड है। यू कैन सी लॉट ऑफ स्टफ हियर, यू नो, मेंस सेक्शन भी दिखाता हूँ यार, लड़के हो के लड़कों वाली चीजें नहीं दिखाई तो थोड़ा नाइंसाफी हो जाएगी काम। सो लेट मी चूज माय पर्सनल फेवरेट, दिस इज नाइस रेड कलर, ओ दिस इज आल्सो नाइस, यू नो, आप बीच पर भी पहन सकते हो, आपकी वीकेंड पार्टीज जो होती हैं ऑफिस की या फ्राइडे पार्टीज जो होती हैं उसमें भी आप पहन सकते हो। एंड श्रद्धा, दिस इज ऑल अगेन सेम अजरक, राइट? हाउ डू वी प्रोनाउंस इट, इज अजरक और अजरक? अजरक। ओके, दिस इज स्पेशल प्रोडक्ट फ्रॉम माय ब्रांड, दिस इज हुडी, एंड दिस वर्क इज कॉल्ड एप्लिक वर्क, एंड अजरक का पूरा एप्लिक वर्क आएगा। Nice. ये हैंड वर्क से पूरा स्टिच होता है और इसका बैक पे पूरा डिजाइन है। नाइस, यू कैन सी दिस स्टफ, कहीं भी पहन के जाओगे एक बार लोग बात जरूर करेंगे इसके बारे में। एकदम यूनिक है और
इसको बनाने के लिए करीबन 15 से 20 दिन लगते हैं, ये हाथ का काम हैंडवर्क। आई थिंक इंडिया में ना हमको हैंड जो लोग समझते हैं वो जानते हैं कि हैंडवर्क की कितनी अहमियत होती है एंड वो चीज़ें अलग समझ में आ जाती हैं। आई विल टेल यू श्रद्धा समथिंग अबाउट कार्स। सो बिकॉज आई एम अ कार एंथुजियास्ट, तो जो बहुत लग्जूरियस ब्रांड्स होते हैं ना उन उसमें मोस्टली चीज़ें हाथ से की जाती हैं, जैसे जो गाड़ी का लेदर भी है ना सीट, वो भी हाथ से स्टिच करते हैं, तो ये लोगों की काफ़ी पसंद होता है। बट इंडिया में मैंने देखा है लोगों को ना हैंड वर्क वाली चीज़ें ज़्यादा समझ नहीं आती हैं। You know it better. Tell us कि क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अगर कोई चीज हाथ से नहीं बनी और मशीन से बनी है तो उनका कॉस्टिंग कम हो जाता है, लेबर चार्ज नहीं लगता है। वही चीज अजरक में भी दो टाइप के आते हैं, स्क्रीन प्रिंट से भी होता है और हैंड ब्लॉक प्रिंट से भी होता है। स्क्रीन प्रिंट का काम जल्दी हो जाता है, तो वो चीज जो 16 डे में अजरक रेडी होता है वो स्क्रीन प्रिंट में 8 दिन में या 7 दिन में हो जाएगा, तो कॉस्टिंग वाइज बहुत कम हो जाता है। और वो भी अब उसमें भी डिजिटल प्रिंट आ गई है, तो सूरत और उस जगह पे अजरक की भी डिजिटल प्रिंट होती है। तो वही चीज़ अगर आप खरीदोगे तो इधर जो 400 रुपये का स्टॉल मिलेगा नेचुरल ब्लॉक प्रिंट का, वही उधर 150 रुपये में मिलेगा। हर कोई नहीं समझता है। हाँ, लेबर कम हो गया, डेज वर्किंग डेज कम हो गए, इसलिए वो चीज़ कम रेट में मिलती है और कस्टमर को वही समझ आता है कि ये कम में दे रहा है, आप क्यों महंगा दे रहे हो। आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, जैसे स्पेशली ये चीज मैंने यहाँ पर देखी, इट्स अमेजिंग। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। कोलकाता के पुचके से गुजरात के फाफड़ा तक, जगन्नाथपुरी से लेकर के बाबा सोमनाथ मंदिर तक, उड़ीसा के फिशरमैन विलेज से लेकर के कांडला पोर्ट तक, पिछले 21 दिनों में हमने देखा भारत का कोस्टल लाइन और कई ऐसे हिडन जेम्स को एक्सप्लोर किया और समझा कि क्यों इंडिया की जो कोस्टल लाइन है वो इम्पॉर्टेंट है ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ की जो लोकल कम्युनिटीज हैं उनसे कनेक्ट किया और इसके पूरे मैरिटाइम हेरिटेज को समझा और इसका जो पूरा गोल हम लेकर के चले थे इन सारी चीज़ों को प्रमोट करने का, वो सब करते हुए आखिरकार हम पहुँचे कांडला में। और हमारे इस सफ़र में हमारा हम सफ़र बनी लेक्सस की हाइब्रिड व्हीकल्स, जिसने बनाया इस पूरे कोस्टल ओडिसी को इंडियाज फर्स्ट सस्टेनेबल कोस्टल एक्सपेडिशन। इस वक्त मेरी टीम के दो लोग साथ हैं जिन्होंने इस पूरी कोस्टल ओडिसी को कवर किया, गोपाल एंड अवर। गोपाल जी, आई वुड लाइक टू नो की यू नो हमने बहुत सारी चीजें देखी, हमने बहुत सारे हिडन जेम्स एक्सप्लोर किए इस ओवरऑल जर्नी में। आई वॉन्ट टू नो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज, अगर मैं ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात, ये जो कांडला पोर्ट है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्ट है हमारे ट्रेड के लिए। यहाँ पे बहुत सारी ट्रेनें विदेशों से हम आयात करके लाते हैं, इसमें कि मुख्य तौर पर ऑयल है क्योंकि हमारी एनर्जी नीड्स पूरा करता है। ये हमारे देश के लिए बहुत सारे इम्पोर्टेंट सामान जो कि हमारे जनता को चाहिए, हमारे देश के नागरिकों को चाहिए, हमारे देश को चाहिए, वो इंपोर्ट करता है, उनको यहाँ पे लैंड किया जाता है और उसके बाद पूरे देश में विभिन्न शहरों में वो भेजा जाता है। यहीं से पास में जामनगर रिफाइनरी है, उसमें क्रूड ऑयल जाता है जो रिफाइन होती है, बाद में हम पेट्रोल डीजल और जेट एयर A1 की तरह एयरक्राफ्ट की तरह यूज करता है। ये एक ऐसा कोस्टल टाउन है जिसको अगर हम नहीं टच करते तो हमें ऐसा लगता कि हमारी कोस्टल ओडिसी जो है वो अधूरी रहती है। और आज हमें एक ऐसा सेंस ऑफ प्राइड है, एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट है कि हमने कलकत्ता से लेकर कांडला तक इतना लंबा सफर जो तय किया है। हमने सोचा था कि ये हमारा 6,200 किलोमीटर का होगा बट ये 7,500 किलोमीटर ज्यादा का, और ये लगता है कि ये अपने आप में एक पहला कोस्टल एक्सपीडिशन है, सस्टेनेबल कोस्टल एक्सपीडिशन, जो कि हमने बहुत ही रिकॉर्ड टाइम में पूरा किया है। लगभग हमने 21 दिन में उसको पूरा कर लिया है और ये मेरे को नहीं लगता कि किसी और ने आज तक ऐसा 21 दिन में ये पूरा का पूरा इस लाइन कभी कवर किया होगा।
जो मेरी जानकारी में है कि जो लास्ट होस्टल किसी ने ये ट्रेवल किया था वो 56 डेज में किया था और भी रुकते रुकाते गए थे। हमने इस जर्नी के दौरान होस्टल टाउन्स के अंदर हम अनएक्सप्लोर्ड जगह पे गए हैं जहाँ पे टूरिस्ट नहीं जाते हैं, जो कि प्रस्टीन है, वर्जिन लैंड है और इतना सुंदर है कि आप माने ये नहीं, मैं गदगद हो गया। मतलब मैं चाहता हूँ कि हमारे देश के जो लोग हैं वो बजाय विदेश जाने के अपने देश के अंदर बढ़िया टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और हमारा जो इकोनॉमी है उसको। अभी जो हमारा वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट है उन दोनों के अंदर बहुत डिफरेंस है। आजकल ज्यादातर लोग वेस्ट कोस्ट की तरफ जाते हैं क्योंकि वो डेवलप है और पुराना टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, बट जो ईस्ट कोस्ट है उसके अंदर बहुत ही अच्छा कोस्ट लाइन है, बहुत ही अच्छे लोग हैं, जो फिशरमैन कम्युनिटीज है वो हर स्टेट की जो है वो अलग अलग है। उसके कल्चर, ट्रेडिशन, पहनावा, उनका मच्छी पकड़ने का तरीका, मच्छी को बेचने का तरीका, वो सब अलग अलग है। उनका खान पान अलग है। जैसा कि आपने बताया कि कलकत्ता के कुचके से हम गुजरात के फावड़े तक पहुंचे हैं, तो ऐसे ही पूरे रास्ते के दौरान हमने अलग अलग प्रदेशों के अलग अलग लोगों तक बात किया है और मैं कह सकता हूँ कि हमारा देश रियल में इनक्रेडिबल इंडिया। एब्सोल्युटली, सो इनक्रेडिबल इंडिया है। हमने बहुत सारे लैंडस्केप्स को एक्सप्लोर किया, बहुत सारे हिडन जेम्स को एक्सप्लोर किया। सर ने फिशरमैन विलेज की बात की, मछली पकड़ने से लेकर के उनको बाहर ले जाने तक का जो तरीका है वो बहुत अमेजिंग है। अमन सर से जानते हैं। अमन सर, बहुत ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स है। हम ड्राइव कर रहे थे ऑन द सॉल्ट बेड वाला रोड, इट वाज अमेजिंग। ऐसे कई सारे लैंडस्केप है। टेल मी कपल ऑफ थिंग्स अबाउट फ्रॉम टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू कि बहुत लीस्ट एक्सप्लोर्ड जगह है, मुझे ऐसा लगता है ये एक्सप्लोर किया जाना चाहिए और ये हमारा एक छोटा सा प्रयास। First of all, it was a very challenging journey. Right. For 21 days to complete it within the time span and also to meet our mission task which was given to us. It was very challenging. It was very tiring. But at the end, we today are there at the Kandla Fort. As far as the hidden gems of India are concerned, as rightly brought out by Gopal, of course, the main still to be explored. We went to a place called as Surya Lanka. Surya Lanka. So it was a beautiful beach. And thereafter, we went to a place called as Chira, where they used to make those textiles and handloom and all that. And we got to see how the diversity of our country, how diverse the people are. Like Gopal has said, right from the size and dimension of the fishing boat, to the way they are catching fish, the fish nets, the complete thing was an eye opener for all of us. How life is in the coastal area. And very beautiful, very interesting. As he has brought out, yes, the west coast is more explored, the east coast remains except for some few destinations is with a very prominent landmark like Vishakhapatnam and Puducherry. There are many, 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 many more. In fact, I have a feeling that Rameshwaram, which is the religious life site, can be developed into a very good tourist destination. And on the western coast, Mudeshwar. How beautiful beaches, beautiful fields. Given the opportunity, I think so, our focus should now be on developing those places which are pristine and which are not very frequently visited by the both domestic as well as international. It was also eye opener for me that the permission is granted for visiting the ports to the tourists. So it was something which I have not known till now. So it was a surprise for me. So one can come over here, make his pass, go around, see how the port works. How the mechanics and the working culture in the port is all how is it like? That is there, and I will say that it was a beautiful journey. We are very, very grateful that God has provided us with this opportunity that we had been part of such an expedition. Absolutely. Thank you.
थैंक यू अमन सर, थैंक यू गोपाल सर, एंड यस इस चीज को मैं भी मेंशन करूंगा कि आई वाज लकी इनफ टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एंटायर कोस्टल एक्सपेडिशन. सर ने टेक्सटाइल के बारे में बात की, फिशिंग के बारे में बात की, हम सॉल्ट बेड्स हमने देखे, हमने विंड मिल्स देखे, हमने बोट्स देखे, हमने क्या कुछ नहीं देखा इस 21 दिन की जर्नी में. लगभग 7,500 किलोमीटर हमने अपनी लेक्सस हाइब्रिड व्हीकल्स को ड्राइव किया. अमेजिंग व्हीकल्स एंड बड़ा ही मतलब गजब एक्सपीरियंस रहा है इन लग्जरी व्हीकल्स के साथ. एंड ये जो जर्नी है मेरे लिए मतलब कभी ना भूल पाने वाली ये वैसी जर्नी है. एंड मैं चाहता हूँ कि ऐसी जर्नी आप ही प्लान करें. इंडिया की कोस्टल लाइन जो है वन ऑफ द यू नो सबसे इंडिया की जो कोस्टल लाइन है ये सबसे खूबसूरत डेस्टिनेशंस में से सबसे खूबसूरत ट्रैवल डेस्टिनेशंस में से एक है. तो आइए इसका हिस्सा बनिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे.